three young entrepreneurs are with us. Saket Modi हमारे साथ हैं. आप Lucy Dears Tech से हैं. इनको भूलकर भी आप अपना मोबाइल मत दीजिएगा 20 सेकंड के लिए, ये हैक कर लेंगे. और पूरे देश के थाली में एक बहुत ही खूबसूरत व्यंजन मोमोज परोसने का काम शाह, मिफ्त और रहमान कर रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और साथ ही कनिका टेकरीवाल हमारे साथ है जेट सेट गो एविएशन सर्विसेज से. आप सभी का स्वागत है. कनिका आपसे शुरू करेंगे. क्या ये सच है जब कनिका 4 साल की थी और एक हेलीकॉप्टर उतरा उसे लगा ये एक बहुत बड़ा कॉकरोच उतर गया है? जी एकदम सही है. फिर वहां से कहानी आगे क्या बढ़ी? तो मेरे को लगा था ये एक फ्लाइंग कॉकरोच है जो हम बच्चों को खाने आया है क्योंकि हम शैतान है या ऐसे कुछ. फिर उस हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स थे उनने हमें हेलीकॉप्टर दिखाया और समझाया कि ये कैसे उड़ता है, क्या मशीन है. और तब से मेरे को हर उड़न खटोले से बहुत जुड़ाव होने लगा. और मैंने सब किताबों में पढ़ा. उस टाइम हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था तो मैंने किताबें देख देख के सब सीखा प्लेन्स के बारे में. सो व्हाट्स योर इनोवेशन मॉडल? वी ऑल हैव सीन द उबेर एंड द ओला. इफ यू वांट टू बुक अ टैक्सी, दिस इज लाइक बुकिंग द प्राइवेट जेट. एब्सोल्युटली. सो व्हाट वी हैव डन इज इंडिया हैज अबाउट 300 एयरपोर्ट्स और ओनली 80 आर कनेक्टेड बाय कमर्शियल एयरलाइंस. तो अगर किसी को दिल्ली से कानपुर, झारसुगुड़ा, अंगोल, कडप्पा ऐसी जगह जाना हो तो उनके पास कोई उपाय नहीं है रोड या रेल छोड़ के. तो हमने उनको प्राइवेट जेट बुक करने का एक बहुत ही आसान और सेफ तरीका दिया है. वो हमारी वेबसाइट पर जाके 3 क्लिक में बुक कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. जस्ट 3 क्लिक्स एंड यू कैन बुक अ प्राइवेट एयरक्राफ्ट. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड बी सेइंग दिस इज प्रीटी एन एक्सपेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव परस्यूट. वी विल आस्क दैट एज वेल टू कनिका. बट आई थिंक एन इजियर ऑप्शन इज टू ऑर्डर अ मोमो. No, do you think, therefore, was it an easy startup venture? So, Momos exactly was not an easy startup venture. The biggest, so the company was started by two of my college friends, Sagar and Vinod. And of course, I joined in later. So, initially, kya tha ki Momo was a food item which was sold at the roadside. Yes. Right? It was absolutely, if you do a flashback 10 years back, and if you think of Momos, you could only visualize ki Momos being sold at a street side. Yes. In those steamers, in those thelas. What we came in and what we did was we made this into a category. Category matlab us Momo street side ko humne ek brand bana diya. To 10 saal pehle pizza was a category, burger was a category, but Momos was not a category. हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हिट प्रोडक्ट है, बहुत लोग खाते हैं, इसको हम ब्रांड कैसे बना सकते हैं. तो हमने स्टीम से उसको फ्राई किया, फ्राई से पैन फ्राई किया, बर्गर बनाया, ऑग्रेटन बनाया, सिजलर बनाया और उसको पूरा मील बना दिया. सो दैट इज समथिंग दैट वी ट्राइड टू डू. जो मोमो एक रोड साइड प्रोडक्ट था उसको हम लोग एक ब्रांड में लेके आए एंड हम लोग उसको बेस्ट इन क्लास malls and best in class places pe isko de rahe. So Saket, as somebody who's a young successful entrepreneur, recipient of the National Entrepreneurship Award 2016, the idea could be anything. It could be a Momo, it could be a private jet. How does one start the journey and what has the journey been like as the CEO of Lucy Dears Tech? आपने बिल्कुल सही कहा. जिस तरीके से आइडिया कुछ भी हो उसके पीछे विश्वास आपका खुद का होना चाहिए, चाहे वो मोमो हो, प्राइवेट जेट हो या इनको बनाने वाली टेक्नोलॉजी को हैक करने वाली बातें हो. तो सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 130 करोड़ लोगों की आबादी है. क्योंकि आप अगर देखो ज़्यादातर देशों में शायद दिल्ली या बॉम्बे से कम लोगों के यू नो पॉपुलेशन है. सो जब आप हमारी डाइवर्सिटी देखते हो, हमारे लैंड को देखते हो कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन इतने बड़े लैंड पे रह रही है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है किसी भी सेक्टर में मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी है. और आज मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर नाउ बीइंग एनेबल्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी वेयर एजुकेशन विच वॉज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे नाउ थैंक्स टू 300 मिलियन पीपल हु आर यूजिंग द मोबाइल फोन विच मीन्स 1 out of every 4 इंडियंस टुडे यूजेज अ स्मार्टफोन which means 1 out of every 4 Indians today has now an access to the MITs and the Stanfords and the IITs ke courses ko free of cost. And this has just happened in the last 12 to 18 months. Mujhe lagta hai this is going to be transformational where any person who's very passionate about anything, uske baare mein depth mein jaane ki opportunity for the first time is what is presented today thanks to the Digital India and the government and its schemes which are there. So I would say it's a massive opportunity we are sitting on. And as the youngest nation in the world, with the average age as the youngest one, as a large nation, I think it's very exciting times for all of us. Raise your hand, how many of you want to become an entrepreneur? You would like to consider? Oh,
Yeah, nice. That's really nice. And one person who's not raising hand is Harkesh Mittal. He always wanted to become an entrepreneur. Yes or no? Yes, I did. What's the story, sir? What's the story? That touching story. Okay. Since you have asked it, Amit, let me tell you that I always wanted to be an entrepreneur. With a surname like Mittal, what else I could have done? So I wanted to be an entrepreneur, and I was studying at IIM Ahmedabad. And my business plan was ready. I was even, my loan was sanctioned. I was even allocated an industrial shed. And one of my professor, Professor Gupta, he said that since you are going to be an entrepreneur, there is an event happening, how to start your own business. Why don't you go and attend that? And as a very obedient student, I went there, attended that event. And I was very impressed with one of the speakers there, one Dr. Rawal. He seemed to know everything about small scale industry. I thought I will work with Professor Rawal for a couple of years, then nobody will be able to beat me. Well, that was the end of my entrepreneurship. And what happened was that I went and joined that institute. I today have all the knowledge about small scale industry, yes. But I did not act. If there is one message which I can deliver today, that is knowledge is important, but action is more important. I think that's really very nice point. Very good point. You know, thank you.